Janvi, you ready? Yeah, ready. Shall we take? Okay. बहुत late हो गया यार. हाँ हाँ, I'm ready. चलो come on. Okay. Ready? Yeah. Look here. Slightly turn. Yeah. Yeah. Yeah, smile, broader one. Yeah. Very nice. Look here. माय गॉड, इसका तो बहुत सारा खून बह चुका है। ये बच तो जाएगा ना? ये तो मर गया है। He's dead। मैंने जब कहा काम हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। सर, या कमिश्नर साहब ने लेटर भेजा है। ठीक है, रखो। क्या है सर? लेटर नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ लूंगा बाद में, समझे? सिर पर खड़े मत रहो, निकल जाओ। सर, कमिश्नर साहब ने कहा था कि जैसे आपको लेटर मिला आप फौरन से पढ़े और उन्हें फोन करें। सर सब क्या पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भेज रहा हूं। उस ऑफिसर का नाम प्रियंका है। बहुत अच्छी और मेहनती ऑफिसर है वो, कभी तुम्हारी नाक कटने नहीं देगी। मैं सोचता हूं कि वो बहुत लकी है कि उसे एसीपी प्रद्युमन जैसा बॉस मिल रहा है। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा शायद तब तक वो तुम्हारे ब्यूरो में पहुंच भी जाए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं प्रियंका। हाँ अभिजीत सर, ये आदमी काफ़ी ऊंचाई से गिरा है, शायद सेकंड फ्लोर से, तभी ये पानी के नीचे जाके ज़मीन पे टकराया। सर, ये अपने आप नहीं गिरा है, इसके गले पे और हाथों पे नाखूनों के निशान हैं। डिफेंसिव वुंड्स। लगता है विक्टिम की किसी के साथ छीना झपटी हुई थी और विक्टिम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। तुम ठीक कह रही हो, इसका किसी ने खून किया है, मगर आप? अभिजीत, मैं हड़बड़ी में इनसे मिलवाना भूल गया। ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है प्रियंका। इंस्पेक्टर प्रियंका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आपका पहला केस है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रियंका जरा देखो, देखो इनमें से किसी ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा है क्या? यस सर। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? जी, मैंने देखा। हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे थे, मेरा मतलब मैं फोटोग्राफ खींच रहे थे, अचानक एक चीख सुनाई दी, ऊपर देखा तो ये आदमी गिर रहा था। क्या आपने किसी और को देखा था? जी नहीं। अगर इस आदमी का सर नीचे जमीन पे नहीं टकराता तो शायद इसकी मौत नहीं होती। सर, ये आदमी है कौन? सर हाँ, ये होटल के मैनेजर है, शायद इन्हें मालूम होगा। ये गणपत है, हमारे होटल में काम करता था। काम करता था मतलब? वेटर था, ऐसा नौकरी से निकाल दिया गया था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा होगा? मैनेजर साहब, ये आदमी वहाँ उस खिड़की से नीचे गिरा है। क्या है वहाँ पे? वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, जब भी बुकिंग होती है उसे खोल दिया जाता है, लेकिन आज कोई बुकिंग नहीं थी। ठीक है प्रियंका, तुम फ्रेडरिक्स के साथ जाकर उस रूम की अच्छी तरह से छानबीन करो, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर। मैनेजर साहब। सर, अपने होटल के सारे स्टाफ को यहाँ बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ओके सर। तुम कौन हो? तुम? मैं राहुल हूँ मैडम। यहाँ क्या कर रहे हो? गणपत मेरा दोस्त है, मैं देख रहा था क्या हुआ है। यहाँ से तुमने किसी चीज को छुआ तो नहीं? मैंने किसी चीज को नहीं छुआ, सॉरी मैडम। अरे अरे रुक जाओ। रुक जाओ, भागो मत, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था मैडम। डर गए थे? फ्रेडरिक, ये जरूर कुछ छुपा रहा है, ले चलो इसे। चलो चलो। जूतों के निशान? सर, यहाँ खिड़की के पास दीवार पर जूतों के अलग अलग निशान हैं। सर, लगता है गणपत को यहाँ से ही नीचे फेंका गया था। सो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, हो सकता है। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम उनकी फोटो लेके नीचे आ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक, मुझे जरा कैमरा देना। फ्रेडरिक, जरा इसके जूते चेक करो, कहीं वो निशान इसके तो नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खूनी नहीं हूँ। चुप, अभी पता चल जाएगा तुम खूनी हो या नहीं। रखो इस पे पैर। उठाओ, अभी नीचे मत रखो। उठाओ अपने पैर को। इसके जूते का निशान मैच नहीं हो रहा है। तुम इतना डर क्यों रहे थे और भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो फ्रेडरिक, मुझे लगता है ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ले चलो इसे। इस तरह का झगड़ा हुआ हो, एक दूसरे को नोच खसोट रहे हो, तो हाथ में या नाखूनों में सामने वाले की कोई ना कोई निशानी तो आ ही जाती है। हाँ, जैसे खाल का टुकड़ा या बाल, ऐसे कुछ था इसके हाथ में? नहीं सर, इसका हाथ तो खाली है। अभिजीत, ये भी हो सकता है कि अगर इसके हाथों में कुछ था तो वो यहाँ स्विमिंग पूल के पानी में गिर गया हो। मतलब पूल के अंदर जाके देखना होगा। हाँ सर, दीवार पर कुछ जूतों के निशान मिले। ये कौन है? इनका नाम है मिस्टर राहुल, और ये शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो निशान दिखाना तो। ये गणपत के जूते का निशान है। इसका मतलब है ये दूसरा निशान खूनी का है, और खूनी कोई मर्द ही है। सर, होटल में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब यहाँ। गुड, मुझे सिर्फ आदमियों से बात करनी है, लेडीज आप जा सकती हैं। थैंक यू। फ्रेडरिक्स, इन सब के जूतों को इस निशान के साथ मैच करके देखो। यस सर। प्रियंका? यस सर। इन सब लोगों को अच्छी तरह से चेक करो। अगर गणपत का खूनी इनमें से कोई है तो उसके चेहरे के आसपास या हाथों पर कहीं ना कहीं खरोंच होगी। Yes, sir. बड़े जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? अच्छा हा? ये क्या है? ये निशान कहाँ से आए? पता नहीं, सुबह उठते ही साथ मैंने किसकी शक्ल देख ली। पूरा दिन खराब हो गया। जिंदगी में पहली बार लाश देखी है मैंने। मुसीबत है कि अपनी लॉन्च पार्टी भी इसी होटल में है और जिस तरह से सीआईडी इस होटल में चिपक गई है ना और एक एक कोना सूंघ रही है, आई डोंट थिंक कि आज हमारी लॉन्च पार्टी हो पाएगी। बताओ ये निशान कैसे? वो क्या? वो पहले तुमने गणपत से झगड़ा किया, फिर तुमने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे आज मिला भी नहीं। तो फिर तुम्हारे गर्दन पे ये नाखूनों के निशान कहाँ से पैदा हो गए? मेरा झगड़ा हुआ था। किससे? गणपत से। यही तो हम भी कहना चाह रहे कि तुम्हारा झगड़ा गणपत से हुआ था। ये आज नहीं हुआ था झगड़ा, ये एक हफ्ता पहले की बात है। सच कह रहा है ये निशान एक हफ्ते पहले के। चलो मान लिया एक हफ्ते पहले। किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा गणपत के साथ? उसने मेरा पर्स चुराया था सर। पर्स चुराया था? हाँ साहब, वो तो बाकी लोगों ने आके उसे बचा लिया, वरना मैं उसको वो सबक सिखाता कि राहुल छोड़ दे सके। राहुल छोड़, छोड़, मुझे माफ कर दे यार, मैं चोर नहीं हूँ सर। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मैंने किसी भी तरीके से 6 लाख रुपए जमा नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे कहीं से भी 6 लाख रुपए चाहिए सर। राहुल सच कह रहा है, उस चोरी की वजह से गणपत को नौकरी से निकाल दिया गया था। गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए? सर गणपत की बंद मुट्ठी में शायद खूनी अपना पता छोड़ गया है। नकली आंख? हाँ सर, ये शायद खूनी की आंख है जो हाथापाई करते समय गणपत की मुट्ठी में आ गई और यहाँ नीचे गिर गई। इन सब की आंखें तो असली लगती है। मैनेजर साहब, किसी गेस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसकी नकली आंख गुम हो गई है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर ये आंख हो किसकी सकती है? सर गणपत को किसी को 6 लाख रुपए देने थे, शायद इसलिए उसने चोरी करने की कोशिश की हो। सर हो सकता है खूनी वही आदमी हो जिसे गणपत 6 लाख रुपए देने वाला था। पैसों के लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा और उसने गणपत को नीचे फेंक दिया। फ्रेडरिक्स तुम सामने गेट पर जाकर खड़े रहो और होटल में आने जाने वाले हर आदमी पर कड़ी नजर रखो। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी बाहर जाने ना पाए। हो सकता है ये नकली आंख वाला आदमी अभी भी होटल के अंदर हो। यस सर। और अभिजीत तुम फौरन गणपत के घर जाओ और पता करो कि गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए थे, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी उस पर। हो सकता है उसके घर वालों को इस नकली आंख वाले के बारे में भी कुछ पता हो। दुपट्टा काटो इसका, गले से दुपट्टा काटो। जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों बचाओ मुझे? मर जाने दीजिए मुझे प्लीज। पागल हो गई हो तुम? संभालो अपने आप को और प्लीज रोना बंद करो। जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा सब कुछ मत लो। देखो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। क्या बात है बताओ, हम लोग CID से हैं। सर मेरी शादी तय हो गई थी। मेरे भाई गणपत ने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से तय की। बहुत खुश है मेरा भाई कि अब मैं इस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगी। मगर मेरे ससुराल वालों ने उससे 6 लाख रुपए की मांग की है। 3 महीने पहले उन्होंने मांगा था। मेरा भाई सिर्फ 5000 रुपए की नौकरी करता है, वो कहाँ से लेकर आएगा? फिर पता नहीं क्या जादू हुआ कि उसके पास 3 लाख रुपए आ गए। कहाँ से आए इतने पैसे? पता नहीं। वो पैसे अभी कहाँ हैं? उसने मेरे ससुराल वालों को दे दिए। और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? उसने कहा था कि वो किसी आदमी के लिए काम कर रहा है और आज दोपहर तक उसे 3 लाख रुपए और मिलने वाले थे। मगर तुम सुसाइड क्यों कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया था। बस, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारे भाई ने? कह के गया था कि आज 12 बजे तक पैसे लेके आएगा, कहाँ रह गया वो? वो बस आते ही होंगे। आप प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अब बस बहुत हो गया। आखिर समझ क्या रखा है? मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, अरे ग्रीन कार्ड है इसके पास। 25-30 लाख रुपए तो कोई ऐसे ही दे देता दहेज में। जाकर अपने भाई से कह देना कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने बहुत हाथ जोड़े उनके, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं जानती थी, मालूम था मुझे, शादी टूटने की खबर मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस अब और बोझ नहीं बन सकती हूँ मैं उसके ऊपर, नहीं बन सकती हूँ मैं बोझ। देखो एक बहुत बुरी खबर है, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका खून हो गया। दहेज के लालच ने इसके भाई की जान ली। सर ऐसे लालची लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। सर प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें रास्ता दिखाकर आती हूँ। ठीक है जाओ, अरेस्ट करो सबको और उनसे वो 3 लाख रुपए भी लेके आओ जो गणपत ने उन्हें दिए थे। वो पैसे शायद हमें उस खूनी तक पहुँचा सकते हैं। मैडम बहुत लकी हैं आप, इस होटल में सिर्फ यही एक कमरा है जो खाली है। गुड डे मैम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.